तो अंत तक देखना मत, मिस कीजिए। मिस करोगे तो सीखने का मौका गवा दोगे। सिर्फ जेनी रो ही बना सकती है ऐसा डिश। तो मैंने पहले भी बना चुकी हूँ कई तरीके की चाउमीन, वेज चाउमीन, चिकन चाउमीन, हर एक किस्म के मैंने बना चुकी हूँ। तो मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं आप लोग। कुछ मैं आज को बनाने वाली हूँ कुछ अलग वेज यमी चाउमीन, तो बनी रहेगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिए, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो कैसे बनाते हैं अभी यमी चाउमीन, तो मैं इसमें डालने वाली हूँ छोटा सा नींबू काट के। तो बनी रहिएगा, तो अंत तक देखना मत भूलिएगा, मिस मत कीजिएगा। ओके, धनिया थोड़ा सूख गई है, मैंने कल कोई तोड़ा था तो सूख गई है मेरे धनिया। अदरक को मैंने छील ली है, तो मैं यहाँ पे इसको डालने वाली हूँ। क्या करना है बाद में बताऊंगी, अभी बनी रही है। तो मैंने काट के रेडी कर ली है, तो देख सकते हैं सब कटिंग कर ली है मैंने, बहुत खतरनाक कटिंग कर ली है। अभी मैं इसको बॉइल करने वाली हूँ। मेरा मुर्गा मोर खेल के टेंस कर रहा है। कढ़ाई को गरम कर ली है मैंने, अभी डाल रही हूँ ऑयल। अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ अदरक और हरी मिर्ची कटी हुई है। ये अदरक में इसलिए डाल रही हूँ कि इसका खुशबू बहुत अच्छी आती है। मसाले डाल रही हूँ, तीखा लाल थोड़ा सा डालती हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ नमक। सोया सॉस डाल रही हूँ। जितना भी कटे हुए सब्जियां हैं मैं डाल रही हूँ।
डाल रही हूँ मैं कटे हुए गाजर। खतरनाक बना रही हूँ मैं। तो जेनी मास्टर शेफ में आप लोगों को हाजिर है। तो मैं एक बार अवार्ड जीत चुकी हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आप लोग ये मेरा यमी चैनल जरूर देखिएगा। तो मेरा ब्लॉग चैनल में जाके जरूर देखिए। तो मैंने कैसी कैसी कई तरीके के मैंने बनाई है। तो ये कुछ अलग मैं आज को बना रही हूँ। तो आप लोगों को खाने में बहुत ही मजा आएगा। यमी इसलिए हो रहा है कि मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ने वाली हूँ। तो बहुत ही टेस्ट आएगा। तो आप लोग भी बना के खा सकते हैं जितने भी फ्रेंड्स हैं। तो देख सकते हैं मैंने नींबू निचोड़ ली है। तो आप लोगों के मुंह में से पानी आ रही है कि नहीं, तो देख सकते हैं इतनी अच्छी बनती है ये। बहुत ही टेस्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा यमी चाउमीन बनाते हुए वीडियो? अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत ही भूलिए। तो मैंने कैसे बनाई है तो देख सकते हैं कितना स्पेशल बनी है। तो ऐसे बना के आप लोग भी खा सकते हैं। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और सीखने का मौका मत गवाइए। जेनी रॉय ही बना सकती है क्योंकि मैंने एक बार अवार्ड जीत चुकी हूँ। तो इसीलिए तो देख सकते हैं इतना अच्छा मैंने बना के डेकोरेशन किया है। तो ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट से अच्छा मैंने डेकोरेशन किया है। तो बनी रहिएगा मेरे ब्लॉग को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो टाटा।